Welcome back to my channel again. Those who don't know me, hi, I'm KC and I'm a makeup and fashion enthusiast. Aaj maine New Year special ye look create kiya hai, which is this beautiful classic emerald green smoky glitter eye look jo mere dress ke saath perfectly matching. This is the last video of this year going up on my channel. Well, today is 31st, the last day of the year, and tomorrow is 1st January, New Year start ho raha hai, and I am sure New Year special bahut sara parties hai and there you need a special glam look. So agar aapko ye look pasand aaya hai and if you want to recreate this look, then please keep on watching till the end. मैंने ऑलरेडी एक आई कर लिया है टू सेव सम टाइम. लेट्स रेप्लिकेट दिस लुक ऑन द अदर आई. तो सबसे पहले आई एम गोइंग विद अ कंसीलर. दिस इज मेबलिन फिट मी कंसीलर. सबसे पहले आप कंसीलर लगा लीजिए टिल द ब्राउ बोन. दिस इज़ द मेन बेस ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो घंटों तक टिका रहे. अब मैं इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक ब्यूटी ब्लेंडर. ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पिक कर लेता है एंड गिव यू अ सीमलेस लुक. टाइम लीजिए और इवनली कंसीलर को आईज पे ब्लेंड कीजिए. अब मैं इसको पाउडर से सेट करूंगी. आई एम टेकिंग माई मेबलिन कॉम्पैक्ट पाउडर. सब प्रोडक्ट का डिटेल्स और शेड नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. आप कोई भी लूज पाउडर, सेटिंग पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं इस स्टेप के लिए. क्विकली ऑफ कैमरा मैं अपना आईब्रो कर लेती हूँ. प्लीज़ फॉलो योर ओन आईब्रो रूटीन फॉर दिस स्टेप. नाउ आई एम टेकिंग दिस मेबलिन लास्टिंग ड्रामा जेल पेंसिल इन द शेड सिल्कन टर्कोइश. मैं ये अपने आईलिड पे लगा रही हूँ. यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट इन दिस स्टेप. क्रीज लाइन तक हम इसको लगाएंगे. इट्स अ वाटरप्रूफ पेंसिल और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो यू नीड टू बी अ बिट क्विक टू अप्लाई दिस कलर. अगर आपका आईलिड ऑयली है या फिर यू स्वेट अ लॉट, देन ये बेस आपके आई मेकअप को इंटैक्ट रखेगा नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, एंड योर आई मेकअप विल नॉट स्मच. नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ फ्लैट स्टिफ ब्रश और मैं ये एमरल्ड ग्रीन आई शेडो ले रही हूँ. ऑलवेज डस्ट ऑफ द एक्सेस पाउडर ताकि कोई फॉल आउट ना हो. और मैं पहले जो शेड मैंने अप्लाई किया था उसके ऊपर इसको पैट करके लगा रही हूँ. आपको इस स्टेज पे इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट नीड अ गुड डोज ऑफ कलर. तो सिर्फ इस शेड को लीजिए और पैटिंग मोशन में बस कलर को आप अपने आईलिड पे प्लेस कीजिए. जब मनचाह कवरेज मिल जाएगा तब हम एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे विद द सेम ब्रश. अब मैंने एक फ्रेश सिंथेटिक ब्रश लिया है एंड फ्रॉम दिस रेवोल्यूशन प्रो पैलेट आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड. द नेम इज मैसेंजर. टैपिंग ऑफ द एक्सेस और इसको हम क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करेंगे. पहले विंडशील्ड वाइपर मोशन और फिर सर्कुलर मोशन पे आपको इसे ब्लेंड करना है. इट विल क्रिएट अ शेड ग्रेडेशन और ग्रीन आई शेडो का कोई हर्श लाइन भी नहीं रहेगा. जस्ट स्मूथली बफ आउट द एजेस द वे आई एम डूइंग हियर. री अप्लाई द ग्रीन शेडो इफ नीडेड. अब मैं उसी पैलेट से ये ब्लैक शेडो ले रही हूँ. द नेम इज़ हेल बाउंड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल ब्रश आउटर वी पे इस ब्लैक शेडो को मैं लगा रही हूँ ताकि वो स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो और ये आपके आईज़ को और ज़्यादा डिफाइन करेगा. आपको सिर्फ आउटर वी पे ही इसको ब्लेंड करना है ताकि इस लुक में और डेप्थ आए. नेक्स्ट टेकिंग दिस ब्यूटिफुल प्रेस्ड ग्लिटर आई शेडो पैलेट एंड पिकिंग अप दिस ब्यूटिफुल स्पार्कली ग्रीन ग्लिटर शेडो एंड प्लेसिंग इट ऑन माई आईलिड. क्रीज से थोड़ा सा नीचे इसको प्लेस कीजिए ताकि जो शेड ग्रेडेशन है वो ढकना जाए. ये जो टाइप ऑफ शेडोज होते हैं इसको हाथ से अप्लाई करना ही बेटर होता है. ब्रश से यू रियली कैनॉट अप्लाई दिस काइंड ऑफ शेड. आउट ऑफ वी को छोड़ के बाकी एरिया पे मैं ये ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ. इफ़ यू डोंट लव ग्लिटर यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप. विदाउट ग्लिटर भी ये आई मेकअप काफ़ी सेंसुअस है. टेकिंग लैक्मे आइकॉनिक काजल और मैं सिर्फ इसे अपने अपर टाइट लाइन पे यूज करूंगी. आज के आई लुक पे आई एम नॉट अप्लाइंग एनी लाइनर. फिनिश द आई लुक विद मस्कारा. कोट योर अपर लैश विद अ जेनरस अमाउंट ऑफ मस्कारा. आप इसके बाद फॉल्स लैशेज अप्लाई कर सकते हैं. आई जनरली डोंट यूज फॉल्स आई लैशेज. आवर आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू फेस. मैंने ऑलरेडी टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमिंग की रखी है, तो स्ट्रेट अवे अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी. आई एम यूजिंग ओरिजिन्स स्टे ट्यून्ड फाउंडेशन इन द शेड 08 हनी.
और इसको मैं वेट ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करूँगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्यूटी स्पंज यूज़ कर रहे हैं तो वो वेट होना चाहिए। टेक योर टाइम एंड ब्लेंड इवनली। फाउंडेशन को हेयर लाइन तक अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि सब कुछ सीमलेस दिखे। डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया एंड ईयर्स, अदरवाइज इट लुक क्वाइट ऑड। अब मैं थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करूँगी टू हाईलाइट सर्टेन पार्ट्स ऑफ माई फेस लाइक चिन एंड माउथ एरिया। यहाँ पे मेरा स्किन टोन थोड़ा सा अनइवन है। जॉ लाइन्स, द ब्रिज ऑफ द नोज एंड फोरहेड एंड ऑफकोर्स अंडर आई। वी ऑल नीड एक्स्ट्रा कवरेज अंडर आर आई। अगर आपको पिगमेंटेशन है डार्क सर्कल से या फिर अनइवन स्किन टोन है, आप कंसीलर के साथ उसको ढक सकते हैं। टेक द डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैबिंग मोशन पे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कीजिए। फाउंडेशन हो या कंसीलर, ऑलवेज यूज डैबिंग मोशन फॉर परफेक्ट ब्लेंडिंग। नाउ आई विल कॉन्टूर माई फेस। मैं नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। शेड है 07 टॉफी चिजल। आई हैव फुल वीडियो ऑन कंट्यूरिंग, सो प्लीज़ क्लिक ऑन द कार्ड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं यूजुअली कॉन्टूर नहीं करती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, बट एज दिस इज अ स्पेशल ओकेशन, मैं स्पेशल ओकेशन पे कंट्यूर करती हूँ। आई हैव टेकन एन एंगल्ड ब्रश और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फोरहेड ब्लेंड करने के वक्त आपको ऊपर हेयर लाइन तक इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, अदरवाइज फाउंडेशन और कंट्यूरिंग के बीच में एक वाइट लाइन दिखता है विच लुक्स प्रिटी ऑड। चिक्स को भी आपको ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करना है। अब मैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा फेस सेट करूंगी। आई हैव ऑयली स्किन इसलिए मैं अपना पूरा फेस सेट कर रही हूँ। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। वेल पाउडर प्रोडक्ट के साथ क्रीम प्रोडक्ट मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने पहले कंट्यूरिंग कर लिया है एज इट वॉज अ क्रीम प्रोडक्ट। टाइम फॉर सम एप्पल चिक्स। ये जो तीन कलर है इसको मिक्स करके मैं अपने चिक्स पर अप्लाई करूंगी। जस्ट स्माइल एंड अप्लाई द कलर ऑन द एप्पल ऑफ योर चिक्स और पीछे उसको टेम्पल तक ब्लेंड करें। कॉन्टूर शेड के साथ भी आप अपना ब्लश ब्लेंड करें ताकि सब कुछ सीमलेस दिखे। अब लोअर वाटरलाइन पे मैं काजल यूज कर रही हूँ टू गिव मोर स्मोकी इफेक्ट इन माय आईज। नेक्स्ट मैं सेम पेंसिल ब्रश लेके जो सेम ब्लैक शेड था उसी को लोअर लैश लाइन पे स्मज कर रही हूँ। नाउ आई हैव टेकन द सेम ब्राउन शेड एंड स्मजिंग ऑन लोअर लैश लाइन। Taking this beautiful Nika K eyeshadow palette and with the same pencil brush picking up this gorgeous golden shimmer eyeshadow and applying that on my inner corners. Lower lash line pe bhi mascara laga le. Now highlighting time. Mera jo face ka highest point se, main us point pe apna highlighter use kar rahi hoon, like cupid's bow, chin, tip of the nose, bridge of the nose, highest points of cheekbones and temple of my forehead and brow bone. Miss Clear ke glimmer sticks se main apna lips define karungi aur isi color se main lips fill bhi karungi. Ye mera base color hai for my lips. The shade name is Shine Rose. It's a very pretty reddish pink color. वेल इस आई लुक के साथ आप रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्पार्कली आईज है तो आप इसके साथ कोई ब्राइट शेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टिल पीपल विल नोटिस द ड्रामा गोइंग ऑन योर आईज। इफ इट्स अ नाइट पार्टी यू कैन टोटली अप्लाई रेड, पर अगर आप वाइब्रेंट कलर से कंफर्टेबल नहीं है देन यू कैन टोटली अप्लाई न्यूड लिपस्टिक। मैंने यहाँ पे मिस क्लियर का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम यूज़ किया है, शेड नंबर इज 02 और इसी के साथ मैं ये लुक फिनिश करूंगी। दिस इज माई फाइनल लुक गाइज। होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग इशू, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। होप नेक्स्ट ट्यूटोरियल बेटर लाइटिंग के साथ होगा। और आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। होप दिस न्यू ईयर ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, जॉय टू योर लाइफ। इसी दुआ के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एज वेल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब। शो मी सम लव गाइस, क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि इन फ्यूचर वीडियोस अपडेट्स मिलती रहे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ईयर विथ न्यू कंटेंट। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पार्टी हार्ड एंड एंजॉय। बाय गाइस।